त्यौहार हजारीबाग में रामनवमी की लगभग 20 झांकियां पार हो जा चुकी हैं और हजारीबाग झंडा चौक में यहाँ देखिए नेता जी भी आए हैं और सांसद प्रत्याशी हैं जेपी भाई पटेल। कैसा चल रहा है हजारीबाग में रामनवमी का माहौल क्या है? निश्चित रूप से शांति प्रिय और आपसी भाईचारे में सब लोग त्यौहार को मना रहे हैं और आप देखे होंगे कि मैं लगभग सभी जगह पर पहुंचा, लोग उत्साह में और आपसी भाईचारे के साथ इस त्यौहार को संपन्न कर रहे हैं। कल से घूम रहे हैं कि आज निकले हैं? नहीं, शहर में आज हूँ, वैसे हाँ। तो पूरे हजारीबाग घूर ही रहा हूँ क्षेत्र। और आपकी भतीजी निकाली है यूपीएससी अभी, कैसा लग रहा है? निश्चित रूप से ये हम लोग को गौरवित क्षण है जी, मैं बधाई देता हूँ और विशेष बधाई आपके माध्यम से भी देता हूँ कि और आगे बढ़े और नई ऊंचाइयों को पर वो पहुँचे, उज्जवल भविष्य की कामना करता हूँ। बिल्कुल, तो ये देखिए अभी रामनवमी का भ्रमण करेंगे यहाँ से, मुन्ना सिंह जी भी हैं मेरे साथ। कैसा चल रहा है रामनवमी का माहौल? रामनवमी में हो गया है और हजारीबाग में क्या है कि हम लोग सारे लोग सद्भावना से, प्रेम से और भक्ति के साथ रामनवमी मना रहे हैं। अब एक चीज देखने में मिल रहा है कि सारे लोग एक दूसरे से प्रेम व्यवहार से सभी जगह पे, और हम ऐसे भी अपील भी लोगों से किए थे कि रामनवमी का त्यौहार मर्यादा से एक दूसरे का सम्मान करते हुए और भाईचारगी से रामनवमी को मनाएं। तो देखिए किस तरह से जितने जन नेता हैं वो सब रामनवमी में आते हैं, घूमते हैं। कल हम लोगों ने देखा था शाम में मनीष जायसवाल जी जो अपने अपने मंच में है वहाँ पे गए थे। अभी हम लोग चलेंगे हजारीबाग के जहाँ पे प्रशासन के लोग जो बैठे हुए हैं, इधर प्रशासन के लोग जो बैठे हुए हैं और जुलूस पे जो नजारा रखे हुए हैं उनसे ही बात करने की कोशिश करेंगे आखिर क्या चल रहा है, हजारीबाग की रामनवमी माहौल क्या है। अभी देखिए ये जामा मस्जिद रोड है और कुछ देर के लिए जो जुलूस को रोक दिया गया है और उसके बाद फिर यहाँ से जुलूस थोड़ी देर के बाद है शुरू होने वाला है। और ये जितने भी लोग हैं जो कर्मी हैं यहाँ पे खड़े रहते हैं और उसके लिए जो व्यवस्था है, जो जुलूस को पार कराने की व्यवस्था है, उसके पीछे जो है वो लगातार खड़े रहते हैं। कैसा है माहौल रामनवमी का? हाँ, बहुत अच्छा, जुलूस पार हो रहा है ठीक से, एकदम मजे से। मजे से जुलूस पार हो रहा है। अब धूप बहुत थोड़ा सा, हाँ, तो ये हम लोग जा रहे हैं अभी मंच पे, स्टेज पे, जहाँ पे हजारीबाग रामनवमी का जो है पूरा जुलूस यहाँ पे है और अधिकारियों से बात करने की कोशिश करेंगे और देखेंगे कि आखिर माहौल क्या है अभी हजारीबाग में रामनवमी का, ये किस तरह से हजारीबाग की रामनवमी जो है वो मनाई जा रही है। अभी आवाज़ बहुत ज़्यादा हो गया है, लाउड नॉइज़ है यहाँ पे। तो यही है हजारीबाग के जो यहाँ पे डीसी है, मैम कैसा चल रहा है रामनवमी हजारीबाग में? पिछली बार की तरह इस साल भी रामनवमी शांतिपूर्ण जा रहा है, कैसा है माहौल? देखिए अभी कल रात से जुलूस का निकलना का सिलसिला शुरू हुआ और अभी तक कुल 30% झांकियां निकल चुकी हैं। जो बाकी बचे हैं वो हम लोग कोशिश कर रहे हैं कि उनकी रूट लाइनिंग प्रॉपरली करा के जल्दी से उसे और शांतिपूर्वक निकालें। अभी तक सब कुछ शांतिपूर्ण है और कोशिश रहेगी कि आगे भी अच्छे से और शांति से हम लोग इसे कम्प्लीट करें। तो हमारे साथ ये डीसी थे हजारीबाग के एसपी साहब भी हैं। सर कैसा है माहौल, क्या तैयारी है और किस तरह से पार हो रहा है जुलूस? में जैसा हम लोग अपना वर्क किए थे उसी हिसाब से पार हो रहा है और सभी जगह पर फोर्ट डिप्लॉयमेंट है, अभी तक बहुत अच्छा से चल रहा है। हम अभी जैसे आप देख रहे होंगे कि नमाज के लिए हम लोग रुके हुए हैं, चूँकि नमाज का टाइम 12 से 2 है, फिर जैसे नमाज समाप्त होगा उसके बाद फिर मेरा कंटिन्यू शुरू हो गया। सर शहर वासियों से क्या कहेंगे, आप तो पिछले बार भी थे हम लोग देखे थे, इस बार भी आप आ गए हैं, कैसा लग रहा है? अच्छा लग रहा है, ये हमेशा से मेरे दिल के बहुत करीब है हजारीबाग की रामनवमी, और बहुत अमन पसंद लोग हैं, अच्छे से सब कुछ हो रहा है और ऊपर वाले की कृपा रहेगी तो सब कुछ अच्छे से निकलेगा। और दोनों में आज सुबह में फूलों का से स्वागत किया गया एक पक्ष के द्वारा, जो तो बहुत ही सराहनीय कदम है, यहाँ के अमन पसंद लोगों का जो प्रेम है एक दूसरे के प्रति उसी को दिखाता है और मैं दुआ करता हूँ कि आगे सालों सालों तक ये प्रेम बरकरार रहे। तो देखिए सारे अधिकारी जो हैं यहाँ पे पहुँच गए हैं। अभी देखिए यही जो हजारीबाग का जो माहौल है हम देख सकते हैं यहाँ पे झंडा चौक के लिए, झंडा चौक से आगे आप थोड़ा सा आएंगे तो जामा मस्जिद रोड है, वहाँ से जुलूस पार करने की प्रक्रिया जो है वो शुरू होगी थोड़ी देर में। यहाँ पे लोग आते हैं, करतब दिखाते हैं और एक से एक खेल दिखाते हैं, जहाँ पे प्रशासन जो है जज करती है कौन सा जुलूस जो है, कौन सा झांकी जो है वो सबसे अच्छा होता है। और यहाँ पे सिक्योरिटी सबसे ज़्यादा होता है, जो लगातार यहाँ पे डीसी एसपी रहते हैं
यहाँ पे डटे रहते हैं और लोगों को जो है वो यहाँ यहीं से बैठे बैठे नज़र बनाए रखते हैं और यहीं से जो सारे जुलूसें हैं वो लगातार पार होगी। अभी जुलूस को कुछ देर के लिए यहाँ पे रोक दिया गया है। यहाँ पे लोग जो है अपना कर्तव्य दिखाने के लिए इंतज़ार करते हैं, लोग जो है नारे भी लगाते हैं यहाँ पे आके, यहाँ पे अपना कर्तव्य दिखाते हैं और लगातार जो रामनवमी का माहौल हजारीबाग में, क्योंकि इस बार गर्मी कुछ ज़्यादा है, धूप कुछ ज़्यादा है, लेकिन फिर भी जगह जगह पे पानी की व्यवस्था, खाने की व्यवस्था की गई है ताकि जो लोग हैं वो डिहाइड्रेटेड रहें और उन्हें चक्कर ना आए बीच में। पीछे आप देख सकते हैं पीली पगड़ी में, आप देख सकते हैं जो वॉलंटियर्स हैं पीली पगड़ी में, आप देख सकते हैं जो वॉलंटियर्स हैं वो लगातार खड़े हुए हैं, वो जुलूस को पार कराने के लिए यहाँ पे खड़े होते हैं और इधर से जितनी भी जुलूस हैं वो लाइन पे खड़ी हुई है, लगातार आने के लिए तैयार है। अभी तक जो जानकारी मिल रही है उससे यही है कि लगभग 20 जुलूस जो है वो पार हो चुकी है और लगभग 100 झांकियां और आनी बाकी है। तो दोनों तरफ से आ रहा है, एक कोर्रा मटवारी साइड से, कटकम सांडी के साइड से आ रहा है और इधर खिरगांव के साइड से जो आ रही जुलूस वो 2 बजे के बाद वहां से निकलना शुरू होगी, तब यहां पे आएगी। तो मतलब आज जो अभी जुलूस पार शुरू होगा यहां से तो लगभग शाम 7 से 8 बज सकता है। तो देखिए किस तरह से गर्मी में ये नज़ारा आप देख सकते हैं, बाल्टी भर भर के लोग यहाँ पे पानी पिलाने के लिए यहाँ पे आ रहे हैं। तो ये नज़ारा जो है ये एकदम अद्भुत रामनवमी में देखने को मिलता है, किस तरह से सेवा भाव से जो लोगों को पानी पिला रहे हैं, जो लोग थक गए हैं, जो लोग नज़ारा दिखा रहे हैं। और पूरा अभी जो कल से लेके, कल रात से लेके 11 बजे से हम कह सकते हैं कि जुलूस आना शुरू हुआ और आज रात 11 बजे तक उम्मीद है कि ये जुलूस जो है उसको पार कराया जाएगा। अभी तक माहौल यही है कि शांतिपूर्ण जुलूस पार कराया जा रहा है हजारीबाग में। आप देख सकते हैं खिरगांव चौक का जुलूस जो है यहाँ पे पहुँच चुका है और अपना अखाड़ा जो है अपना अखाड़ा में आपको हम लोग झंडा चौक के पास जाके दिखाने की कोशिश करेंगे। क्या चल रहा है? हाँ लाइव है। तो यही है हजारीबाग का शानदार रामनवमी जो है वो मनाया जा रहा है और लोग कहाँ से आए हैं? मैं तो हजारीबाग सुल्ताना से। सुल्ताना से तो हो गया पार हो गया जुलूस? नहीं अभी बहुत बचा हुआ है। बचा हुआ है? कितना पार हुआ टोटल? कम से कम 5 पार हुआ। कहाँ से आए हैं? हम तो धरगुली से आए हैं, बगोदर प्रखंड से हैं। जी जी हाँ। देखने के लिए आए हैं? हाँ हाँ बहुत। बगोदर से देखने हैं? बहुत बढ़िया चल रहा है, बहुत हर साल मैं चाहता हूँ इसी तरह चले और बढ़िया से चल रहे, और भीड़ हो जाए। जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम। ऐसे बच्चे को जो है कंधे पे लिटा बैठा के जो है तलवार भांजने की यहाँ पे कोशिश कर रहे हैं और ये जो नज़ारा है आप देख सकते हैं किस तरह से तलवार भांज रहे हैं ये। और अभी झंडा चौक के पास जो सारी झांकियाँ हैं वो धीरे धीरे पार हो रही हैं। आप देख सकते हैं हजारीबाग में जो रामनवमी का माहौल है वो किस तरह से, जो रामनवमी का माहौल है हजारीबाग में आप देख सकते हैं। झंडा चौक पे हम लोग जाने की कोशिश करेंगे और यहाँ पे जो प्रेस के लिए बनाया गया है उस पे हम लोग जाने की कोशिश करेंगे। और यही है हजारीबाग में कल से ज़्यादा भीड़ आज रामनवमी में देखने को मिल रही है। हम लोग पहुँच गए हैं अभी झंडा चौक पे और झंडा चौक के पास देखिए किस तरह से यहाँ पे माहौल है हजारीबाग में। अलग अलग जगह से जुलूस है, आप देखिए पैगोडा चौक से लेके जो इंद्रपुरी से पैगोडा चौक से जो लोग आते हैं वो एरिया पूरी तरह से आप देख सकते हैं भर गया है और अलग अलग जो यहाँ पे जुलूस है वो जुलूस आप देखिए किस तरह से मालविया मार्ग में पूरी तरह से भरा हुआ है, झंडा चौक में है और पैगोडा चौक जो पूरा हुआ आप देख सकते हैं पूरा पैगोडा इंद्रपुरी से पैगोडा चौक तक पूरा जुलूस जो है वो आ रहा है। तो पूरा का पूरा अभी हजारीबाग में रामनवमी का माहौल है, पूरा जो है राममय हो गया है हजारीबाग। और यही है बाकी का अपडेट आपको हम लोग कुछ देर के बाद देंगे, अभी लाइव प्रस्तुति यहीं पे ख़त्म करेंगे और जैसे ही शाम होगा शाम का अपडेट भी आपको देंगे क्या चल रहा है माहौल।